हेलो दोस्तों, मैं नयंत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज करंट के टॉपिक में जो भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट है इसी के बारे में बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020, इससे जुड़े हुए जितने क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 का जो संस्करण है वह कौन सा है? पांचवा संस्करण है। कौन सा दोस्तों? तो पांचवा संस्करण है, ठीक है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 जो है वह पांचवा संस्करण है। कौन सा दोस्तों? तो पांचवा संस्करण है। और बात करते हैं ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह रिपोर्ट केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा यह जारी किया जाता है, ठीक है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा यह जारी की जाती है रिपोर्ट। बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर शहरों के वर्गीकरण पर रैंकिंग जारी की गई है, ठीक है। तो जनसंख्या के आधार पर शहरों के वर्गीकरण कर रैंकिंग जारी की गई है, ठीक है दोस्तों। और रैंकिंग में क्या हुआ है कि इस रिपोर्ट के अनुसार इंदौर को लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, ठीक है। तो किस रिपोर्ट के अनुसार? तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार इंदौर शहर को लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, ठीक है। किसे? इंदौर को लगातार चौथे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो देखते हैं पहला स्थान किसका है दोस्तों, तो इंदौर का है। हमने अभी आपको बताया कि इंदौर को लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर, इसने प्रथम स्थान हासिल किया है। और दूसरा स्थान किसने हासिल किया है? तो सूरत ने हासिल किया है, ठीक है। और तीसरा स्थान मुंबई ने हासिल किया है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, और दूसरा स्थान सूरत, और तीसरा मुंबई, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो ये सूची है, इस सूची में बिहार का पटना शहर, याद रखना दोस्तों, बिहार का पटना शहर सबसे नीचे स्थान पे है। कौन से? 47वीं रैंकिंग हासिल की है, ठीक है, बिहार का पटना शहर। उसके बाद बात करते हैं कि 1 से 10 लाख तक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो प्रथम स्थान किसका है? अंबिकापुर, ठीक। अंबिकापुर एक शहर है, कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में, ठीक। और मैसूर कहाँ है? तो कर्नाटक, इसने दूसरा स्थान हासिल किया है। और नई दिल्ली, और नई दिल्ली ने तीसरा स्थान हासिल किया है। 1 से 10 लाख तक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर, प्रथम स्थान अंबिकापुर छत्तीसगढ़, और मैसूर कर्नाटक, और नई दिल्ली, ठीक है। तो पहला स्थान अंबिकापुर, दूसरा मैसूर, और तीसरा नई दिल्ली। और इस सूची में बिहार का गया शहर सबसे नीचे स्थान पर आए, ठीक है। तो बिहार का गया शहर सबसे नीचे स्थान पर, अर्थात 382 रैंक हासिल की है। अब बात करते हैं दोस्तों 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, ठीक। तो 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर महाराष्ट्र के 3 शहर आते हैं। कौन कौन से? तो कराड, संसवाड़ और लोनावाला, ये 3 शहर हैं। तो कौन कौन से हैं? कराड और संसवाड़ और लोनावाला, ये शहर है सबसे स्वच्छ शहरों में इन्हें चुना गया है, महाराष्ट्र के 3 शहर, ठीक। सबसे स्वच्छ शहरों में से 3 शहर चुने गए हैं, तो कराड, संसवाड़ और लोनावाला, ये 3 शहर हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है, आपको ये याद रखना है दोस्तों। और भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित की गई है, ठीक है, भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित की गई है।
और जालंधर, जालंधर छावनी बोर्ड जो है दोस्तों, सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया है। जालंधर छावनी बोर्ड को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब दिया गया है। किसे? छत्तीसगढ़ को क्या दिया गया है? सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब किसे दिया गया है? छत्तीसगढ़ को। तो हमने देखा दोस्तों कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 से जुड़े हुए जितने क्वेश्चन थे हमने आपको बताए, हमने बताया कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा यह जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट के अनुसार इंदौर का लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। उसके बाद हमने देखा कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर, तो प्रथम स्थान इंदौर, द्वितीय स्थान सूरत और तीसरे मुंबई। और फिर हमने देखा कि 1 से 10 लाख तक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो प्रथम स्थान अंबिकापुर छत्तीसगढ़, और दूसरा स्थान मैसूर कर्नाटक, और तीसरा स्थान नई दिल्ली, ठीक है। उसके बाद फिर हमने आपको भी बताया कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो हमने अभी आपको बताया कि महाराष्ट्र के 3 शहर, ठीक, कौन कौन से, तो हमने बताया कराड़ और सनसवाड़ और लोनावाल, ये 3 शहर है सबसे स्वच्छ। उसके बाद हमने बताया आपको कि वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है, और भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी भी घोषित किया गया है, और जालंधर छावनी को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड को घोषित किया गया है, ठीक। और फिर मैं लास्ट में आपको बताया कि छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब मिला हुआ है, किसे? तो छत्तीसगढ़ को। तो भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्टों में हमने सबसे पहली रिपोर्ट देखी कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020, ठीक है। आज इस वीडियो में मात्र इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में जो उनकी रिपोर्टें बच गई उन्हीं के बारे में बात करेंगे। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।